नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। रंगस के पुत्रियाल में जमींदोज हुआ रिहायशी मकान, लाखों का नुकसान। 3 बजे तक बंद रहेगा मंडी पंडोह मार्ग, 6 मील के पास चलेगा पहाड़ी से गिर रही चट्टाने हटाने का काम। कुल्लू में ट्रेड यूनियनों का हल्ला बोल। बिजली महादेव ने की है भविष्यवाणी, नजरअंदाज किया तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम, देखने को मिल रहा प्रकोप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार दोपहर को बरसात से नुकसान का जायजा लेने के लिए ननखड़ी पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर थारू हेलीपैड पर दोपहर 12:10 पर लैंड हुआ। इस दौरान उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। थारू हेलीपैड पहुंचने पर स्थानीय विधायक नंदलाल और अन्य नेताओं व अधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ननखड़ी व आसपास के क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकल गए। नलखड़ी ब्लॉक की है और सभी पंचायतों को मिनिमम 2 लाख तब तक वो सारा पैसा आ जाएगा। जिनके मकान पार्ट भी डैमेज हुए, हमने रिलीज को जो पहले 5,000 मिलता था 20 गुना बढ़ाकर 1 लाख कर दिया और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाएगी और जहाँ तक सेब है वो मंडियों तक पहुँचाने की तरफ ये है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोड़ रहा हूँ। आखिरी सवाल है, 5 जुलाई को आपने आखिरी बार बस देखी थी, अगली बार में बस के कब तक दर्शन हो सकते हैं? अभी तो हम जो मेन रोड है उनसे सेब जो है कई जगह जीप के माध्यम से पहुंच जाए और जो बस वाला वो 50 मिनट पहुँच जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। नादौन के तहत आने वाली ग्राम पंचायत पुत्रियाल के गांव पुत्रियाल में एक सलेटपोश रिहायशी मकान अचानक गिर गया। जब मकान गिरा तब एक व्यक्ति अंदर सो रहा था, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आया। मकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान मलबे में दब गया है। मकान गिरने की सूचना मिलते ही पंचायत प्रतिनिधि भी बुधवार सुबह के समय मौके पर पहुंचे। यहां जाकर देखा तो मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि परिवार को 4 लाख के आसपास नुकसान हुआ होगा। पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से भी प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। मंडी पंडोह नेशनल हाईवे 6 मील के पास लगातार गिर रहे मलबे व चट्टानों के चलते आज 11 से 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान रोड को क्लियर करने का काम किया जाएगा। कुल्लू से पंडोह आने वाले छोटे वाहनों के ट्रैफिक को पंडोह से चैल चौक होते हुए सुंदरनगर की तरफ भेजा जाएगा तथा मंडी से कुल्लू वाया कटोला रोड भी छोटे वाहनों के आने के लिए खुला रहेगा। वहीं भारी वाहनों को NH पर ही इंतजार करना पड़ेगा। ASP मंडी सागर चंद्र ने बताया, पिछली मंगलवार रात पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते ट्रैफिक को रोक दिया गया था, जिसे सुबह कुछ समय के लिए खोल दिया गया था। अब दोबारा 6 मील के पास मलबे व चट्टान को हटाने के लिए मार्ग बंद कर दिया गया है। शाम 3 बजे के बाद मंडी पंडोह मार्ग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये जैसा कि कल बताया गया था कि आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है 6 मील के आसपास जो पहाड़ का मलबा है उसको हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक हो चुकी है। चट्टाने और शूटिंग स्टोन जो है वो वाहनों पे गिर रहे हैं और कोई भी बड़ा हादसा, जानलेवा हादसा कभी भी हो सकता है। तो आज 4 घंटे का ये ब्लॉकेज है। लेकिन पिछली कल रात को एक्चुअली इसके साथ एक दूसरी साइट है 50 मीटर की दूरी पे, वहाँ भी चट्टाने और शूटिंग स्टोन आने शुरू हो गए थे। तो रात को हमें आज पिछली रात को पूरी रात ट्रैफिक बंद ही रखना पड़ा और रात को काम भी नहीं हो पाया क्योंकि शूटिंग स्टोन थे। लेकिन अभी सुबह रोड को क्लियर किया गया है और रात भर के जो करीब 250 के करीब वाहन था, जिसमें भारी वाहन ट्रक और बसें ज़्यादा संख्या में थी, रात के रुके पड़े थे, उनको निकाल दिया गया है जो पंडोह से मंडी साइड को आने थे। इसी प्रकार जो मंडी से कुल्लू की तरफ जाने वाले भारी वाहन थे, छोटे वाहन भी काफ़ी हैं, वो भी करीब 350-400 के करीब वाहन हैं, उनको अभी निकाला जा रहा है।
तो इनको निकालने के बाद जो 11 बजे ये ब्लॉकेज जो है, ये जो काम है यहाँ साइट पे शुरू कर दिया जाएगा, और जैसा कि अंदाज़ा है कि 3 बजे तक हम ये ट्रैफिक जो है इस नेशनल हाईवे पे दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। केंद्र सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कुल्लू में मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर कुल्लू में C2 हिमाचल किसान सभा जिला इंटक ने प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार की नव उदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। जनता की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की क्षमता घट रही है। श्रम कानून में संशोधन किया गया है, 4 लेबर कोड लाए गए हैं जिसमें मजदूरों को जो है 12 घंटे काम करना पड़ेगा और 8 घंटे की दिहाड़ी मिलेगी, जिसमें महिलाओं को 5 बजे के बाद भी काम करना पड़ेगा। जो एक कानून था कि 5 बजे के बाद जो है महिलाओं से काम नहीं लिया जाता था, वो भी कानून इन्होंने कर दिया कि 5 बजे के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो महिलाओं को काम करना पड़ेगा फैक्ट्रियों में या कहीं भी या सरकारी दफ्तरों में। इसलिए अभी ये लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि किसानों ने तो इन्हें बहुत बड़ी चोट दे दी है, इसलिए मजदूरों से भी डर रहे हैं। परंतु हमने सारे ट्रेड यूनियनों ने ज्वाइंट रूप से ये फैसला किया कि इन कानूनों को हम वापस करवाएंगे। साथ में जो मनरेगा के ऊपर अटैक हुआ है, मनरेगा जो है बजट जो है आधा किया गया है, इसलिए मजदूरों को जो है काम नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि मजदूरों को काम मिले। बिजली महादेव कमेटी मथान का एक प्रतिनिधिमंडल DC कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिला और कहा कि बिजली महादेव में रोप वे का निर्माण किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इस संदर्भ में देववाणी भी की जा चुकी है और प्रशासन से भी आग्रह किया है कि बिजली महादेव की भविष्यवाणी को नजरअंदाज न करे, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरह की भविष्यवाणी महादेव ने की है। कमेटी के सदस्य शिवनाथ का कहना है उनकी 70 साल से अधिक की उम्र हो चुकी है, लेकिन देववाणी को नजरअंदाज कर जो काम किया जा रहा है उसके चलते बिजली महादेव में दरार नजर आने लगी है। कारदार विनेंद्र सिंह जमवाल का कहना है जब से बिजली महादेव में छेड़छाड़ की जा रही है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। को लेकर बैठक हुई थी, आज फिर से मिलने पहुंचे, क्या कुछ मांग आपने DC मोदी से रखी है? देखिए, 4 तारीख को हमारा फिर से जनरल मीटिंग हुई भयंकर में, जहाँ पे हमने दित्य कलेक्टर के सामने फिर से मानी हुई और दित्य ने फिर से इनकार किया है, तो इस बारे में हम आज फिर से DC मोदी को ज्ञापन देने आए थे। देववाणी हुई थी क्या उस दौरान भगवान ने भी कहा है, और किस तरीके से रोपवे को लगाने को लेकर कितने पंचायतों का इसको विरोध है? पंचायत समस्त हरियाणा का यही विरोध है, इसमें लगभग 90% जो जितने हरियाणा सबका विरोध है। तो इस बार तो जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आए थे, वो भी बोल के गए कि 15 अगस्त के पहले इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे लिए देवते के आदेश स्वरूप ही आगे हम देवते के आदेश ही मानेंगे, पीछे हम देवते के आदेश ही मानेंगे, आगे हम देवते के आदेश ही मानते रहेंगे। ऐसे में अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? आज हम जैसे हमारी एक जनरल मीटिंग हुई थी बरहन गाँव में 4 तारीख को, उस दिन फिर से देवते के रथ के साथ देववाणी हुई, जिसमें कि देवते ने रोपवे लगाने से साफ इनकार किया है और देवते ने कहा है कि अगर मेरे आदेश नहीं माने तो सख्त परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और मेरा प्रदेश सरकार और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान ले, इसे फिर से पुनर्विचार करें इस मामले में। अगस्त से पहले रोपवे का निर्माण कार्य, चलो उनसे हम अनुरोध करते हैं, उनको क्या पता है कि भाई वहाँ पर ऐसा है, तो ये स्थानीय नेताओं की गलती है, इनको बचाना चाहिए था कि ऐसा है। हम इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं था, BJP या कांग्रेस से हमारे पास जाए कहीं भी, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस दिशा से पीछे हटें और देवता की धरोहर इसको बचाएँ, जो देवता चाहता है उसको करें। उनको भी पड़ी है और कम से कम 4 बीघे में जो जमीन फट गई है, और उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप जैसा देवता कहता है उनकी सुने और आपकी मनोकामना भी भगवान पूरी करेगा, नहीं तो ये गाँव बहुत खतरनाक और भुगतना पड़ेगा। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल TV के साथ।